निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो सत्येंद्र केन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा बुद्धि शुद्धि यज्ञ जहाँ किया है आयोजित। वास्तविक स्थिति तो ये है, कोई दिन अखबार खाली नहीं रहता जिस दिन ये मालूम पड़े कि सागंज में, कभी बोधला में, कभी ताजगंज में, कभी कमला नगर में गंगा जल बह रहा है, लाइन लीकेज है। कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन लाइन लीकेज नहीं होती? और ये निकम्मी जो नगर महापालिका की के आयुक्त को कहो या मेयर साहब को कहो, चाहे जो कुछ भी कहो, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनको नहीं मालूम कि 14 तारीख को बाबा राव भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती है। और ये लोहा मंडी रोड से लेकर पूरा आगरे का क्षेत्र देख लीजिए, कोई सड़क बिना गड्ढे के नहीं है। तो ये जयंती को व्यवधान करना, जयंती में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। इनका कोई एक नियम नहीं है, इनका एक नियम है कि हम पैसा कमाएं, गरीब जनता को लूटें किसी माध्यम से भी, चाहे टैक्स के माध्यम से लूटें। और उन्होंने सब समस्याएं एक संग जोड़ दी हैं। और महाराज, आप बुद्धि शुद्धि जो कर रहे हो वो आप पर्यावरण के खिलाफ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, आप निकल जाओ, रामाडा होटल जो है उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो आपके सिर पे पूरी मट्टी डली होगी। और कहाँ सो रहे हो? क्या पानी का छिड़काव करने के लिए हमसे, जनता से परमिशन लेंगे? और टैक्स बढ़ाने के लिए खुद बढ़ा लेते हैं। मैं उसको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि 32 साल हो गए आपको नगर निगम के अंदर, आपने कोई काम किया नहीं है और केवल बातों में चल रहे हैं। मेरे अध्यक्ष जी ने कहा था कि नवीन आगरा तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज से हाँ नरक आगरा है जिसमें कि हम सब लोग जी रहे हैं और बीमारियों को झेल रहे हैं। लेकिन हमारे नगर आयुक्त और हमारे मेयर साहब दोनों मस्त हैं। इस तरीके का कार्यक्रम रखा है क्योंकि हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनकी बुद्धि खराब हो गई है, उनकी बुद्धि सड़ गई है, उसे सही करने के लिए रखा है। क्योंकि वो मौन व्रत तो रख सकते हैं पर जनताओं की समस्या का निवारण नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये रखा है कम से कम उनकी बुद्धि सही हो जाए। ये यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, जो प्रसिद्ध जयंती है, दुनिया में मनाई जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, इसीलिए उनको ये अवगत कराना है कि पूरे आगरा में रोड खराब है, 14 अप्रैल आने वाली है, वो अभी तक उन्होंने उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, इसीलिए इसके लिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया है। अगर इसके माध्यम से नहीं सुधरे गए और 10 तारीख तक आगरा के रोड नहीं बनाए तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसकी उन्हें आपके माध्यम से सूचना मिल जानी चाहिए।